Jai Guru Baba, Pravachan number 137. आदरणीय विद्वन मंडल, वेद भक्त भाइयों और बहनों, सन 1930 में मैं द्वारका आया। प्रभु की पूरी की धूली मिलने से विशेष आनंद हुआ। मैंने सभी तीर्थों में अटन किया, द्वारका में कुछ विशेष मुझे दिव्यानंद की अनुभूति हुई थी, उसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा। पर एक मुझे बड़ा दुख, हमारा शंकराचार्य का मठ भी कुछ ऐसी स्थिति में था जिसे देखकर आंसू बहाए बगैर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। हमारे आदि शंकराचार्य का मठ हो और वो स्थिति इस स्थिति में हो, इससे मुझे बड़ा ही धक्का लगा। और द्वारका जी में कोई संस्कृत पाठशाला की व्यवस्था नहीं, कॉलेज की तो बात ही जाने दो, और रहन सहन का भी जैसा आजकल सुविधा है, हमारे स्वामी शांति प्रसाद जी ने अन्न कुटी बना दी और भी बहुत से स्थान बन गए हैं, ये भी सब कुछ नहीं था। मुझे प्रसन्नता हुई जब से स्वयनाम धन्य अभिनव सच्चिदानंद जी महाराज इस पीठ पर आए। ये पूरी तो पहले ही लब्ध प्रतिष्ठ है, त्रिभुवन ख्यात कीर्ति है, पर इन्होंने शंकराचार्य मठ को और पूरी को चार चांद लगा दी। समय आबू में भी एक बार आपके दर्शन हुए और बॉम्बे में भी एक बार मुलाकात हुई, तो आपने कुछ जीवन का व्रत सा बना लिया है कि इस मठ की भी विशेष प्रतिष्ठा बढ़ाई जाए, साथ ही साथ श्री शंकराचार्य का जो हमें निर्देश है, आदि शंकराचार्य ने जिस समय हमें निर्देश दिया उसमें, वो तो बड़ा ही कठिन समय है। उस शताब्दी में हर्षवर्धन के शासन में ये कड़ा आदेश था कि किसी बौद्ध के साथ अगर कोई शास्त्रार्थ की करे और कुछ अवज्ञा करे, उसके विरुद्ध कुछ ऐसी तर्कें दे जिससे बौद्ध धर्म का पराजय हो, उसकी जीभ काट दो। ऐसी स्थिति में कुमारल भट्ट ब्रह्मचारी आए और आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म का डिंडिम बजाया, और हम ये तो नहीं कह सकते कि कुमारल भट्ट आ गए, परंतु प्रभु ने फिर भी एक ब्रह्मचारी ही हमको दिया। पुरुषार्थ की दृष्टि से इन्हें कुमारल की तुलना की जा सकती है, और कुमारल का वैदुष्य तो उनके साथ रहा, उसको तो आजकल कोई विद्वान भी नहीं पा सकता, वो तो एक उच्च कोटि के विद्वान थे। पुराणों पर जितना शंका समाधान लोगों का, उनका निराकरण सबसे प्रथम कुमारल भट्ट ने किया तंत्र वार्तक में। और आदि शंकराचार्य ने जो वेद का मुख्य भाग है उपनिषद भाग, उन पर भाष्यों की रचना की, और उसके बाद सर्वज्ञातम मुनि, संक्षेप शरीर वगैरह पुस्तकों का निर्माण हुआ। केवल भारत ही नहीं, पाश्चात्य विद्वान भी हमारी भारतीय फलासफी का लोहा मान गए। पर द्वारकापुरी जी ने और मैं प्रायः श्री शंकराचार्य जी से तीन चार पीढ़ियों का संबंध रखता हूँ। पहले श्री शंकराचार्य माधव तीर्थ रहे, उनके भी दर्शन हुए, उसके बाद शांतानंद सरस्वती, फिर उसके बाद आए चंद्रशेखराश्रम का समय था जब मैं द्वारका में आया, और उधर त्रिविक्रम तीर्थ जी, फिर भारती कृष्ण तीर्थ, और उधर मधुसूदन तीर्थ जगन्नाथ। प्रायः सभी मठों से कुछ ना कुछ संपर्क बना ही रहा,
और आज तक बना हुआ बना रहेगा। ये जो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि सब आचार्य एक राय हो जाएं, मैंने तो वेद भगवान की शरण इसीलिए ही, इसमें दो राय हो ही नहीं सकती। वेद के संबंध में किसी आचार्य का मत भेद है ही। क्या चारों शंकराचार्य, क्या शाखा मठों के शंकराचार्य, क्या रामानुजाचार्य, क्या वल्लभाचार्य, किसी संप्रदाय को भी के आचार्य को लें, इसमें किसी को मतभेद का स्थान ही नहीं, किसी का साहस ही नहीं कि वेद के विरुद्ध कोई अपनी मत प्रकट कर सके। हमारे आचार्य श्री चंद्र जी के सामने मैं कहा करता हूं, वो जिस वंश में आए थे उस वंश का नाम वेदी वंश था। तो पंजाबी जनता को मैं ये उपदेश देता हूं कि देखो, बहुत सी वंशें थी। हमारे आचार्य श्री चंद्र जी महाराज ने वेदी वंश में आना क्यों पसंद किया? कि वो वेद भक्त थे, उन्होंने समझा हम तो उसी वंश में अवतीर्ण होंगे जो वेद पारायण करेंगे। अगर आज भी तुम श्री चंद्रा जैसे महापुरुषों को बुलाना चाहते हो तो वेद पाठ किया करो। और आचार्यों की तो बात छोड़ दे, संतों का भी इसमें मत है। कबीर जी के लिए लोग बहुत कहा करते हैं कि वो स्वतंत्र विचारों के हैं, और उन्होंने वेद के लिए क्या लिखा, पूर्ण वाणी वेद की सोहित परम अनूप। कि दुनिया में अगर कोई पूर्ण वाणी है तो वेद की, और सोहित परम अनूप वो बड़ी शोभा दे रही है, और उसकी तुलना में कोई दूसरी वाणी नहीं। अंत में आदि साखी ज्ञान बिन लख न सके निज रूप। आदि साक्षी जो है वेद भगवान, उसके ज्ञान के बगैर कोई अपने स्वरूप का आत्मदर्शन नहीं कर सकता। ना वेद विद मनुते तम बृहंतम, ये जो तैतृय ब्राह्मण का वाक्य है उसी का कबीर जी ने अनुवाद किया। और तो क्या, चंडीगढ़ में जब वेद की स्थापना हुई, सिख मिनिस्टर आए, बलवंत सिंह वित्त मंत्री और एक शिक्षा मंत्री आए। उन्होंने कहा स्वामी जी, आज तक हम तो अंधकार में रहे, हमारे तो पंथ की आधारशिला ही वेद है। क्यों? किसी आचार्य ने लिखा हो या न लिखा हो, गुरु नानक जो सिखों के, उन्होंने पहले लिखा ओंकार वेद निर्मय। वेद की रचना ओंकार ईश्वर ने की, वो वेद को ईश्वर की कृति मानते। जिन सिखों में कुछ ये भी आ गया गड़बड़ के, वो आजकल अपने को हिंदू भी नहीं मानते, पर उस सिख संप्रदाय के जो मूलाचार्य हैं वो हमारे ही आचार्यों की तरह वेद को ईश्वर की कृति मानते हैं। और आजकल हमारे सनातन धर्मियों में तो एक कुछ आशंका, मुझे भी तंग कर रखा है लोगों ने, हमारा वेद शाप तो दिए, इनका अर्थ नहीं समझ में आएगा। पर गुरु नानक ने अपने शिष्यों से बड़े सुंदर उत्तर दिया, दीपक बले अंधेरा जाए वेद पाठ मत पापा। कहते दीपक जलता है अंधकार भाग जाता है, और वो दीपक रूई कहां से आई, तेल कैसे हुआ, दीवा सलाई कैसे बनी, इसके जानने कोई जरूरत नहीं। दीपक जब जलेगा अंधकार दूर हो जाएगा, जब तुम वेद के पाप वेद का पाठ करोगे बुद्धि के पाप नष्ट हो जाएंगे, अर्थ भले ही समझ में ना आए। और गुरु गोविंद सिंह एक कदम इससे भी आगे बढ़ गए, वो कहते अथर्व पात पठ्यम सुने पाप नठ्य। अथर्ववेद का कोई पाठ कर रहा हो, जो आदमी श्रवण करेगा उसके पाप नष्ट हो। इस तरह क्या संत, क्या आचार्य, भगवान वेद के संबंध में सबका एक मत है। ब्रह्मचारी जी कहते हैं चारों शंकराचार्य एक राय, इसमें तो एक राय है, केवल इतना आप कहो प्रार्थना। अब ब्रह्मचारी जी का अभिप्राय ये है कि इसमें मतैक्य तो है, पर जैसे अभी नव सच्चिदानंद जी वेद के प्रचार में लग गए हैं, कामकोटी शंकराचार्य वो भी लगे हुए हैं, इसने सभी मठों के शंकराचार्य अगर वेद प्रचार को अपना लें तो ब्रह्मचारी जी समझते हैं कि मेरा संकल्प अतिशीघ्र पूरा हो जाए, ये उनका अभिप्राय है। और अभिप्राय इन्होंने बताया कि जो जिला, अभी बोलो वेद के, फिर व्याख्यान कर पीछे बताना वार्तालाप में। तो दूसरी बात,
ब्रह्मचारी जी का और बाकी आचार्य रामानुज वो तो आए हुए हैं प्रतिवादी भयंकर, तो बाकी उदासीन संप्रदाय के आचार्य से मैं आपका सेवक उपस्थित हूँ और वैष्णव संप्रदाय के तो हैं ब्रह्मचारी जी, अब बाकी रहा कौन। केवल इतना ही है कि वेद प्रचार के लिए समय समय पर सब आचार्य इकट्ठे हों और ये विचार किया जाए कि किस तरह वेद प्रचार को आगे लाया जा सकता है। जैसे एक रास्ता हमारे शंकराचार्य जी द्वारका ने शारदा पीठ के अध्यक्षों ने निकाला कि यहाँ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया, तो वहाँ वेद का संशोधन होगा, कुछ विद्यार्थी वेद को पढ़ेंगे, वैदिक पुस्तकालय बन जाएगा, जो व्यक्ति द्वारका में आएंगे उन पुस्तकों की सहायता से अपना वैदिक ज्ञान की वृद्धि कर सकेंगे। और हमारा आपस में तो मतभेद हो ही क्या सकता है, अथर्ववेद कांड चार सूक्त है 52 मंत्र है चार, संज्ञानम न स्वे भी संज्ञानम अरणे भी, हमारा अपने जो आत्मीय हैं उनसे तो ये ऐकमत हो, अरणे भी जिनसे हमारा उदकादि का संबंध नहीं धार्मिक संबंध नहीं उनसे भी हमारी एकता हो। और हमारी तो दृष्टि ही बड़ी ऊंची है, भगवान वेद जब उपदेश कर रहे हैं वो ये नहीं कहते कि ब्राह्मण सुने क्षत्रिय सुने वैश्य सुने, वो तो समस्त विश्व को लेते हैं, शृण्वन्ति विश्वे आर्यस्य पुत्रा अमृतस्य पुत्रा दशम मंडल ऋग्वेद सूक्त 13, तो वहां साफ लिखा है कि अमृतस्य पुत्रा, अमृत जो ईश्वर के पुत्र हैं हम सब, श्रृण्वन्तु इस बात को सुने और इस पर विचार करें। अब हमारी तो इतनी ऊंची दृष्टि है कि सारे जो आजकल लोगों ने बड़ी उदारता का सिद्धांत निकाला, फादरहुड ऑफ गॉड ब्रदरहुड ऑफ मैन, परमात्मा सबका पिता है और हम सब भाई हैं, ये सिद्धांत वेद की देन है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि ईसाई और मुसलमानों ने ये जो अपने मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा कि वो पैगाम ला रहे पैगाम लाए, जो प्रभु का संदेश लाता है वो पैगंबर होता है संदेश हर होता है, ये बात भी हमारे भगवान वेद की ही उन्होंने ली है। भगवान वेद मंडल 10 सूक्त 33 मंत्र 13 है, वहां लिखा है तनमे विचष्टे सविता अमरया, मंत्र दृष्टा ऋषि कहता है अक्षेर दिव्य महादिव्य, जुआ मत खेलो कृषि में तो कृषि, और कृषि किया करो, कृषि पर बल दिया क्यों कृषि प्रधान भारतवर्ष है, और वित्ते रमस बहुमान्यमाना, कहते धन प्रभु ने जितना दिया उसी में संतुष्ट रहो, तृष्णा को मत बढ़ाओ, प्रभु ने जितना उपकरण हमें दिया उसी उपकरण में संतोष मानकर हम रहेंगे। अच्छा तत्र गावा कित वहा, इसमें गऊओं का भी पोषण होगा और जाया तुम्हारा परिवार भी प्रसन्न रहेगा, ये बात कही किसने, ऋषि कहते हैं तनमे विचष्टे सविताय अमर यहा, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, वो जो सर्वस्वामी जगत का प्रेरक परमात्मा उसका ये संदेश मैं तुमको सुना रहा। इसी वेद मंत्र के आधार पर उन्होंने कल्पना की कि मोहम्मद साहब भगवान का पैगाम लाए, उन पैगामों का संग्रह कुरान बन गया, और ईश्वर का बेटा अमृतस्य पुत्र हा, इसी के आधार पर ईश्वर का पुत्र। तो वेद तो विश्व पुस्तक है, सनातन धर्म का ऐसा जादू है, लोग भले इनकार करें हम वेद को नहीं मानते, पर वेद को तो मानना ही पड़ता है, जो उनके सिद्धांत हैं उनको कह दो अगर वेद के सिद्धांतों को छोड़ दो तो तुम्हारा ये सिद्धांत रहे मान्य हो ही नहीं सकता। कभी कभी मैं ये कहा करता हूं कि मुसलमान भाई कहते हैं प्रभु निराकार नहीं साकार नहीं निराकार है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि मोहम्मद साहब लाए पैगाम खुदा का, तो पैगाम क्या होता है, चिट्ठी, चिट्ठी या मौखिक होगी या लिखकर दी जाएगी, अगर मौखिक होगी तो मुख में तो दांत आदि 8 स्थान होंगे तभी तो वर्णों का उच्चारण होगा तब भी प्रभु साकार हुआ, अगर पत्र लिख कर दिया तब उसके हाथ होंगे कलम पकड़ी होगी। अगर ये बात मुसलमान भाई प्रभु को साकार न माने सनातन धर्म के सिद्धांत को तो वो मोहम्मद साहब को पैगंबरी नहीं साबित कर सकते, मुसलमानों का पैगंबर मानना ही ऊपर से भले इनकार करें सनातन धर्म से हृदय तो उनका भी सनातन धर्म को नमस्कार करता ही।
और इधर ईसाइयों को लिया, ईसाई कहते हैं हमारा ईश्वर का बेटा है, तो हम कहते हैं ईश्वर का बेटा तो हम मानते हैं, हम तो सभी को ईश्वर का बेटा मानते हैं, तुमने अगर मसीह को कह दिया तो कौन सी बड़ी बात। पर एक बात है, मरियम देवी के साथ जब प्रभु का राजस प्रेम हुआ होगा तभी तो बेटा पैदा हुआ, तो राजस प्रेम तो साकार मूर्ति का होगा, तो प्रभु उसको साकार तो उन्होंने मान ही लिया, अन्यथा वो अपने पैगंबर को भगवान का बेटा प्रमाणित ही नहीं कर सकते। तो सनातन धर्म के अकाट्य सिद्धांत हैं, और सनातन धर्म तो हमें विश्व प्रेम सिखलाता है, खाली अपने आचार्यों में या पंथों में या संप्रदायों में क्या, भगवान वेद तो कहते हैं प्रियम मा कृणु देवेशु प्रियम राज संस्कृति प्रियम सर्वस्य पश्यतः उत शूद्र उता। अथर्व वेद कांड 19 सूक्त 62 प्रार्थना करता है मंत्र दशा, हे प्रभो सारे ब्राह्मणों का मैं प्यारा बनूं और सारे क्षत्रिय मुझे प्यार करें, शूद्र और वैश्य भी मुझे प्यार करें, कहते कोई रहना जो सर्वस्य पश्यता प्राणी मात्र का मैं प्रेमी। तो विश्वव्यापी प्रेम की अगर शिक्षा है तो हमारे वेद में है, अब ब्रह्मचारी आप चिंता न करें, आचार्य श्री ने भी इस काम को हाथ में पकड़ लिया है, मैं तो आपके साथ घूमता ही रहता हूं, और मैंने तो प्रण लिया और मैं ना किसी सम्मेलन में जाता हूं ना कोई सभा अटेंड करता हूं, यहां वेद भगवान का कार्य पड़े मुझे कोई भी बुला ले वहीं पहुंच।